स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 20C। अब एक्सरसाइज 20C में देखो, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, जैसा कि एक सिंगल इक्वेशन दिया होता था, तीन वैल्यूज हम एज्यूम करके एक्स का वाई की वैल्यूज जो है कि निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, और फिर वो जो पॉइंट्स हमको मिलते थे उनको हम ग्राफ पे पुट करते थे और एक लाइन बनती थी। तो ऐसे ही आपको दो दिया हुआ है तो दोनों के लिए दो लाइन बनेगी और दोनों लाइंस बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ पे बनेंगी और जहाँ पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा आपका एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये एक फ्रेश ग्राफ हमने ले लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में है 3y - 2x = 7। दूसरा इक्वेशन है 5x + 3y = -7। अब यहाँ पे 3y = 7 - 2x और y = 7 - 2x / 3। वैसे ही यहां पे भी 5x = -7 - 3y, x = -7 - 3y / 5। वैल्यूज ऐसे पुट करनी होंगी जो कि आप कट भी कर लो और इजीली कैलकुलेट हो जाए, डेसिमल वगैरह में, फ्रैक्शन वगैरह में ना आए। मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, एक मिनट, -2x था, इस साइड गया तो +2x, ओके। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, 2 1 2 और 7 2 9, 9/3 आ जाएगा। इसके अलावा 2 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 7 6 13 हो जाएगा, 4 ले लेते हैं, 4 2 8 और 7 15। तो 4 लेने पे 3 5 15 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर x की वैल्यू हम कितना लें, 2 2 4, तो -2 अगर ले लें तो 2 2 4, 7 में से 4 जाएगा 3 3/3, कितना आएगा 1। उसी तरीके से इसको भी, अब पूरा देखो मैं सॉल्व करूँगा ना तो टाइम कंज्यूम करेगा और रिक्वेस्ट भी है लोगों की आज ही ख़त्म करना है इसको। तो ऐसे यहाँ पे भी हम y को अब एज्यूम करना होगा, तो y के लिए क्या एज्यूम करें, अगर 1 ले लेते हैं तो 7 3 10, तो -2। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 18 7 25 होता है तो 6 ले लेते हैं, 6 3 18 7 25 / 5 आ जाएगा, अब वो भी माइनस का। फिर इसके अलावा अब अगर 6 के बाद वैल्यूज लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा माइनस में, और मेरा ग्राफ आपको पता ही है कि 10 10 तक चारों तरफ लिया है हमने ना बस। तो इसको हम क्या करने वाले हैं कि 3 के बाद ले लेते हैं, 5 बचेगा, तो इसको हम ले लेते हैं -4, तो 4 3 12 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, तो 5/5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो ना, एक इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये है, दोनों की वैल्यूज पुट करो। यहाँ मैंने ग्राफ ले लिया, पहले वाले की वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक, पहले वाले की वैल्यूज पुट करेंगे 1, 3 पुट कर दिया, फिर 4, 5 पुट कर दिया, फिर -2, 1 पुट कर दिया, ये मिल गया मेरे को पहला स्केल मेरा। एक मिनट, ये भी कितना था, 1, 3 था, 4, 5 था, 1, 3, 4, 5, -2, 1, -2 पे
वन ऊपर जाएगा, ये नीचे लगा दिया मैंने इसीलिए लाइन नहीं बन पा रही। इरेजर माइनस टू माइनस वन ले लिया है मैंने इसीलिए। अभी ये बन गई मेरी एक लाइन, एक लाइन मैंने ये बना दी। अभी सेकंड लाइन बनानी है मेरे को, तो सेकंड के लिए माइनस टू कॉमा वन, माइनस टू कॉमा वन, ओहो कॉमन आ गया ये तो, माइनस फाइव कॉमा सिक्स यानी ऊपर जाएंगे, माइनस सिक्स कॉमा वन, अरे माइनस फाइव कॉमा सिक्स, वन कॉमा माइनस फोर, वन कॉमा माइनस फोर, ये तो मेरे को नीचे लेके आएगा, वन कॉमा माइनस फोर यानी ये दूसरी लाइन। अब ग्राफिकली मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किए कहाँ पे, यहाँ पे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक्स की वैल्यू माइनस टू, वाई की वैल्यू वन, ठीक है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई हमारी ग्राफिकली। ऐसे ही हम देखते हैं सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू में इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और दूसरा है कि 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 2y अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y और x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन में 5। अब ऐसी ही वैल्यूज लेनी है हमको जो कि फ्रैक्शन में ना आए, ना डेसिमल वगैरह में कट हो जानी चाहिए, होल नंबर आएगा ना तो ठीक रहेगा। एक्स वाई, एक्स वाई, ऐसे तो दो पॉइंट में भी काम हो जाएगा लेकिन और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग तीन लेते हैं एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे वाई की वैल्यू वन लेते हैं, तो अगर वाई की वैल्यू वन लेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, 13 माइनस टू वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई, 13 माइनस थ्री वाई लिखे हैं यहाँ पे, 13 माइनस टू वाई लिखे हैं, बहुत बड़ी गलती है, 13 माइनस थ्री वाई, तो थ्री वन जा थ्री लिया मैंने, तो 13 में से तीन जाएगा 10, 10 बाई टू आएगा 5, फिर यहाँ 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 बाई टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, 5 तो यहीं 15, माइनस 15 और 13, तो माइनस का 2 बचेगा तो माइनस 2 बाई टू माइनस 1, और लिया कितना है हमने यहाँ पे 5 लिया था, 5 3 जा 15, 15 में से इतना। अब उसी तरीके से यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ y की ही वैल्यू लेनी है, तो y की वैल्यू क्या क्या एज्यूम करें हम कि कैलकुलेट हो जाए आराम से, तो हाँ यार कुछ भारी भरकम लेना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करने वाला मसला सबसे बड़ा है ना, तो 3 2 जा 6, 6 4 10 है ना, 3 2 जा 6, 6 4 10, 5 1 जा 5 2 जा, फिर अगर 0 ले लें तो नहीं ऐसे थोड़ी होगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा कि कट हो जाए ना, तो 3 ले लिया, 2 2 जा 4, माइनस 2 2 जा 4, हाँ ठीक है ठीक है, तो माइनस 2 ले लेते हैं, तो माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 बाई 5, 0 हो सकता है, फिर उसके बाद 14 में से 4 जाएगा तो भी 10 बचेगा, तो इसको माइनस का 7 लेते हैं, तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 और 4 तो 10 आएगा, तो 5 2 जाए यानी माइनस 2। अब इसको प्लॉट कर देते हैं हम अपने ग्राफ पे, एक फ्रेश ग्राफ ले लिया हमने और प्लॉट करते हैं 5,1, 5,1, 2,3, माइनस 1,5, ये हो गया, फिर इसके बाद 2,3, अगेन 2,3, अच्छा कॉमन यही है तो यही हो जाएगा वैल्यू, 0, माइनस 2, 0, माइनस 2, ये वाला
फिर उसके बाद माइनस टू कॉमा माइनस सेवन, माइनस टू माइनस टू कॉमा माइनस सेवन मिल गया। तो देखो यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में है 5x प्लस वाई इक्वल टू माइनस थ्री और 2x इक्वल टू 3y माइनस एट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस 5x यानी माइनस थ्री प्लस 5x, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में ही। x इज इक्वल टू 3y माइनस एट अपॉन में टू। वैल्यूज चूज करते हैं, एक्स वाई, एक्स और वाई, टाइम कंज्यूमिंग है। एक्स की वैल्यू चूज करनी है तो जीरो ले लिया, 5000 आंसर आया माइनस थ्री। माइनस वन ले लिया तो माइनस फाइव हो गया, माइनस वन लिया तो माइनस फाइव हो गया, पाँच में से तीन गया, दो आया और दो के सामने माइनस आया तो पॉजिटिव टू हो गया। कैलकुलेट करते रहना आप लोग भी देखना। फिर उसके बाद हम वैल्यू ले रहे हैं माइनस का, टू, टू फाइव जा टेन हो गया, दस में से तीन गया सात, सात के ऊपर माइनस लगा तो माइनस सेवन। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको यू चूज करनी है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो माइनस एट बाई टू यानी कि माइनस फोर। फिर उसके बाद टू ले लेते हैं, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू बाई टू यानी माइनस वन। फोर लेते हैं, फोर थ्री या ट्वेल्व, बारह में से आठ गया चार, टू टू जा तो फोर पे टू। प्लॉट करते हैं पॉइंट जीरो कॉमा माइनस थ्री। फ्रेश, ठीक है ठीक है, दूसरी कॉपी लेते हैं, सब भर गए हैं क्वेश्चन कर करके। जीरो कॉमा माइनस थ्री यानी पहला पॉइंट मेरा यहाँ है, माइनस वन कॉमा टू दूसरा मेरा यहाँ है, माइनस टू माइनस सेवन, माइनस टू और माइनस सेवन, ये कैसे हुआ? जीरो कॉमा माइनस थ्री तो एकदम सही था, फिर माइनस वन कॉमा टू भी सही है, माइनस टू कॉमा माइनस सेवन, इसको चेक करना होगा एक मिनट। जहाँ पे मैंने वैल्यू ली थी यहाँ पे चेक करते हैं, तो टू फाइव जा टेन, माइनस का टेन था तो थ्री हुआ, तो माइनस का सेवन, माइनस माइनस प्लस का सेवन होना चाहिए, ये मिस्टेक है। माइनस टू कॉमा सेवन, तभी लाइन से नहीं आ रही, तो माइनस टू कॉमा सेवन यहाँ जाएगा, अभी स्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये ऐसे है ना, ये अभी आ गया स्ट्रेट। फिर उसके बाद सेकंड वाला माइनस फोर कॉमा जीरो, तो यहाँ रहा पॉइंट माइनस वन कॉमा टू, तो माइनस वन कॉमा टू लो यही आ गया, और टू कॉमा फोर, टू पे फोर। सेकंड लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे, तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू है तुम्हारी माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू टू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशन 2y माइनस एक्स 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 एंड y माइनस 2x इक्वल टू 1। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना है। अब तीन लाइन है, तीनों लाइन जो है कि इनक्लोज करेंगे एक ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब तीन है ना। तो पहला है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, दूसरा है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 और तीसरा है y माइनस 2x इक्वल टू 1। पहला यहाँ से देखते हैं 2y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स बाई 2, ये हो गया। एक्स वाई, अब यहाँ पे कुछ भी ऐसी वैल्यूज हमको लेनी पड़ेगी जिससे कि ये कट हो जाए। एक्स का ले लेते हैं 0, माइनस 2, माइनस 4। 0 तो 4 टाइम में, माइनस 2 6 तीन बार में और माइनस 4 तो 4 में से 8 गया 4 यानी कि 2 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने में इसको करें, x उधर भेज देते हैं, है ना, x इधर भेज दिया तो 5y माइनस 14 हो गया यानी x इक्वल टू 5y माइनस 14। अब यहाँ पे टेबल ले लेते हैं, एक्स वाई, वाई की वैल्यू हमको चूज करनी है, तो y की वैल्यू ऐसे चूज करनी है। अच्छा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 2 रखें तो 10 में से 14 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। अगर 3 रखें तो 3 5 जो 15 में से 14 जाएगा, पॉजिटिव का 1, और अगर 4 रखें तो 5 ओके 20 यानी कि पॉजिटिव का 6 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, यहाँ पे भी बना लो इसके लिए, x हुआ y हुआ। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो ऐसा जो कि आसान हो, 0 1 2 ले लिया तो 0 लिया तो 1 1 लिया तो 2 1 जो 2 1 प्लस 3 और 2 2 जो 4 1 5 आ गया, ठीक है। अब इनको हम पुट करेंगे, पेन से पुट करना है। पहला है 0,4, 0 यहाँ 4 यहाँ, 0,4, फिर -2,3, फिर है -4,2, -4,2, ये हो गया एक तरफ, फिर है -4,2, अच्छा ठीक है, फिर 1,3, 1,3, फिर है 6,4, 6,4, ये उठपटांग नहीं लग रहा, -4,2, ओके -4,2, फिर 1,3, ठीक है, फिर 6,4 नहीं, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, पहले तो ये वाला तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, और ये वाला, ओहो बन रहा है, बन रहा है, कोई नहीं बन गया, बना, ठीक है। अभी थर्ड देखते हैं, 0,1, फिर 1,3, फिर 2,5, ये रहा थर्ड।
बस ये रहा ट्रायंगल तुम्हारा, बीचों बीच जो बना ये रहा एक पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो आपको बताना क्या था, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देखो ये कितना है, माइनस फोर कॉमा ये कितना है तो टू, फिर उसके बाद है यहाँ पे ये वन कॉमा थ्री, फिर इसके बाद कितना है टू कॉमा फाइव। तो यही है तुम्हारे वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि यूजिंग ए स्केल ऑफ वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट फॉर बोथ द एक्सेस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सिक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टेन और वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन। फ्रॉम द ग्राफ जहाँ पे दोनों लाइन मीट करती हैं, द कोऑर्डिनेट वहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनी उसका एरिया भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर फाइव, पहला है सिक्स वाई इक्वल टू 5x प्लस टेन, फिर दूसरा है y इज इक्वल टू 5x माइनस फिफ्टीन। यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 5x प्लस टेन अपॉन में 6, और इसमें आ गया y इज इक्वल टू, ये तो दिया ही हुआ है, एक्स वाई एक्स वाई ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे कि वो डिवाइड हो जाए। तो कैसी वैल्यूज रखे हम, एक्स की जगह पे छः से डिवाइड होने वाली वैल्यू चाहिए हमको ना, तो एक्स की जगह पे चार रखे तो पाँचों के बीस दस तीस, तो एक्स की जगह पे चार, फाइव फोर जो ट्वेंटी और टेन थर्टी, सिक्स फाइव जो थर्टी, फिर उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा लेकिन क्या करें, एक्स की जगह पे टेन रख देते हैं तो टेन फाइव जो फिफ्टी प्लस सिक्सटी तो सिक्स टेन जा, फिर उसके बाद द माइनस टू रख देते हैं, माइनस टू 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 फाइव जो टेन, टेन टेन कट गया तो ये आ जाएगा ज़ीरो। फिर इसके बाद ये ठीक ठाक है, इसमें तो ऐसे ही लग देते हैं दो तीन चार, तो पाँच दुनी दस तो माइनस का पाँच, फिर तीन पाँच पंद्रह जीरो, फिर ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन फाइव, ये सही है। अब इसको भी हमको क्या करना है, प्लॉट करना है, तो प्लॉट करते हैं जल्दी से। फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा फाइव को मैंने प्लॉट कर दिया, फिर उसके बाद टेन कॉमा टेन को प्लॉट करना है, ओहो टेन कॉमा टेन बिल्कुल यहाँ पे प्लॉट हुआ बहुत दूर, फिर माइनस टू कॉमा ज़ीरो, माइनस टू कॉमा ज़ीरो तीसरा यहाँ प्लॉट हुआ, बना ही ले बाद में दिक्कत करेगा, देखा जाएगा। ठीक है, एक लाइन बन गई, टू कॉमा माइनस फाइव, टू कॉमा माइनस फाइव, नीचे की तरफ आएंगे थ्री कॉमा ज़ीरो, थ्री कॉमा ज़ीरो यहीं रह जाएंगे, फोर कॉमा फाइव यहाँ, ठीक है। अब जो ट्रायंगल तुम्हें निकालनी है ना वो एक्स एक्सिस और इसके बीच में होनी चाहिए थी, यानी ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक है, ये कोई एक कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, ये सी है,
ठीक है। तो अभी जिसकी हाइट देखो, तो हाइट यहाँ से अगर हम गिराएं परपेंडिकुलर, तो ये जो हाइट आ रही है 1 2 3 4 5, 5 यूनिट आ रही है। और तो यहाँ पे तुमको 1 सेंटीमीटर बोला था, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बेस 1 2 3 4 5, बेस 5 है, हाइट भी कितनी है 5 है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो वो बतानी थी कि दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 4.5 पे। तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एरिया, एरिया के लिए बेस ए बी है ना, क्या लिखा है मैंने, ए बी सी, यहाँ सी लिखा है ना, यहाँ बी यहाँ ए। तो एरिया के लिए सबसे पहले हमको ए बी यानी बेस कितना है, ओ ए बी नहीं, ए सी, सॉरी, ए सी बेस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। और फिर हाइट बी से परपेंडिकुलर जो गिराए हैं, हाइट कितनी आ रही है, इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट, यानी 1/2 × 5 × 5, यानी 12.5, 5 × 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई पासेस थ्रू 4.0 एंड 0.3, इस पॉइंट से पास करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द ग्राफ पासेस थ्रू k, 1.5। तो इसके लिए आप पहले यहां देखो ग्राफ पेपर में, पहले प्लॉट करो आप 4.0 और 0.3। 4.0 0.3 मैंने प्लॉट कर दिया दोनों पॉइंट को। अब वैल्यू निकालनी है हमको के की, है ना? और के ऐसा है कि जो पॉइंट है वो कितना है, पास करता है ग्राफ k, 1.5 से। तो मैंने क्या किया, स्केल में, हाँ, मैं इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा, मैंने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये y है, 1.5 y है, तो 1.5 यानी ये रहा, इसको मैं सामने लेके जा रहा, कहाँ पे कट कर रहा, जहाँ पे कट किया वहाँ से परपेंडिकुलर नीचे लाया, तो देख रहा हूँ कि वहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम ग्राफ 2 आ जाएगी। ड्रॉ करोगे आप पैरेलल तो 2 आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।